हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सुबह का समय हो गया है, मेरा नाश्ता भी बन गया है। आज नाश्ते में इडली बनाए हैं, दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए, कुछ नाश्ता कर भी लिए हैं और दलिया भी बनाए हैं, उसके बाद खाना भी तैयार हो गया है। यही सब चीज़ें, अभी किचन सब अस्त व्यस्त सब पड़े हुए हैं, इनकी सफाई करना है हमको। अभी बर्तन भी धुलना है, सिंक में सब बर्तन रखे हुए हैं। और अभी घर में झाड़ू पोछा ये सब लगाना है हमको, थोड़ा मटर भी छीलना है। और समय मिलेगा तो पेपर भी पढ़ेंगे, पेपर पढ़ने का हमको बहुत शौक है। और दोस्तों क्या करें, तमाम काम पड़े रहते हैं। अभी गेहूं भी आया है, उसको भी बनाना है और बिस्तर भी सही करना है। अभी सब लोग सो के उठे हैं, बिस्तर अस्त व्यस्त सब पड़े हुए हैं। अभी बिस्तर भी सही करना है, बेडशीट भी सही करना है, मच्छरदानी भी हटाना है हमको। देखिए सब ऐसे तैसे पड़े हुए हैं, सब सही करना है दोस्तों। क्या करें, इसी में सब कुछ करना पड़ता है। धीरे धीरे करते रहेंगे अपना, और आराम भी करेंगे उसी में, और काम भी करते रहेंगे। और दोस्तों आप लोग कैसे हैं? ठीक है, फिर मिलते हैं। अब बर्तन अपना धुल रहे हैं, अब बर्तन धुल लेंगे, उसके बाद किचन साफ करना है। उसके बाद बर्तन को टोकरी में रख दे, फिर सजा के रखना है। बर्तन पोछेंगे भी, गैस भी पोछना है, टाइल्स भी पोछना है। बनाते समय ना बहुत गिर जाता है, कचड़ा हो जाता है। उसके बाद नहाने जाना है, कपड़ा ढेर सारा रखा है बाथरूम में, साफ करेंगे। पहले बर्तन तो धुला जाए, काम इतना है कि खाली भी होने में समय लगेगा। बने रहिए, अभी चलते हैं आगे, वीडियो में आपको दिखाएंगे। गैस साफ हो गया, टाइल्स भी साफ कर दिए हैं, सब सफाई हो गया है, बर्तन भी धुल लिए। अब बर्तन को सजा के रखना भी है, जा रहे हैं। बेड भी सही हो गया है, बेड भी सही कर दिए हैं। साफ सुथरा रहता है ना, मन अच्छा लगता है, खुश भी रहता है मन अंदर से। जा रहे नहाने, नहा के कपड़ा भी धुलना है। नहा के तो निकल गए, और सब कपड़े भी डाल दिए हैं। मेरा हो गया, अब जा रहे हैं अपने लिए नाश्ता निकालने। उसके बाद मिलते हैं आपसे अगले। आलू का पिट्ठी तैयार कर दी, इधर खीर भी तैयार हो गया है, सब्जी भी हो गई है, आटा गूंथ के रख दिए हैं। अभी बनाएंगे तो दिखाएंगे आपको, वीडियो में बने रहिए। बर्तन भी इतना भी धुलना है किचन का। पूरी बनाना शुरू कर दिए हैं, देखिए कितना अच्छा लाल लाल पूरी है। अच्छा लगता है जब पूरी फूली फूली रहती है ना, तो खाने का मन भी करता है, अच्छा भी लगता है, टेस्टी भी है पूरी। और रोटी तो बनाए तो एक ही दो लोग खा के उठ जाते हैं, लेकिन पूरी बना रहता है, वो भी आलू भरी, तो दो के बजाय चार, एक के बजाय दो, ऐसे लोग खाते रहते हैं और अच्छा भी लगता है, सब लोग खाते हैं। अब निकलेगा, अब खाना शुरू भी कर दिए, प्लेट भी निकाल दें, खाना भी निकालना शुरू कर दें। बने रहिए हमारी क्लास पे, दिखाते हैं। किसी को सौंफ से पसंद है, नहीं सब्जी भी बनी हुई है, और बच्चों को सब्जी भी नहीं पसंद रहता है ना। अब ये जा रहा है भाई के पास, वो खाना खाएगा। नीचे खाना खाइए, खा के बताइए कैसा लग रहा है आलू का पराठा। मम्मी बनाई तो अच्छा ही होगा। कपड़ा सूख गया, सब उठा के लाए हैं, अभी प्रेस भी करना है। देखिए जितना हो सकेगा करेंगे, नहीं तो फिर दूसरे दिन करेंगे। चलते हैं प्रेस करने, बने रहिए वीडियो में। हो गया है, अब हम तीनों लोग हैं, तीनों लोग के लिए चाय, और ये उत्पम आया है, और ये देखिए गरी और बादाम की चटनी। प्रेस कर रहे हैं, देखिए एक हफ्ते का कपड़ा है ना, इसलिए समय लग रहा है।
अब डेली डेली नहीं करते हैं, इकट्ठा हो जाता कभी 5 दिन का कभी 3 दिन का तभी करते हैं। करिए इधर चाय भी आ गया, अब नाश्ता भी हम लोग के पास आ गया, अब करते हैं नाश्ता। तब तक बने रहिए। समय हो गया है, सब्जी बन रहा है और एक तरफ खीर डालने जा रहे हैं और एक तरफ पूरी बनेगा आलू का। इस कुकर में आलू वालू रख दिए हैं, अब खीर हो जाए तो आलू वालू भी रख देंगे, उसके बाद आटा निकालेंगे भूजने के लिए। तो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है तैयार हो गया है, खीर भी है, सब्जी चला रहे हैं, खीर का भी आटा निकालेंगे। ये तो हमारा रोज का रूटीन है, सुबह शाम का खाना नाश्ता ये सब तो बनते ही रहते हैं। एक जास्ट चला दो बेटा, एक जास्ट।